हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखिए, आज हम ये प्यारा सा ड्रॉप कट डिज़ाइन लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हमने जो कटिंग है करके रख ली है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और ये ब्रॉकेट का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं हम इसके लिए। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अस्तर की जो लेंथ है वो हमने 16 इंचज़ रखी है, जो तैयार होगी 15 इंचज़ ब्लाउज़ की। और ये देखिए, अब हम इसमें बोट नेक बना रहे हैं। तो बोट नेक की जो हम विड्थ ले रहे हैं, जो हम चौड़ाई लेंगे वो 4.5 इंचज़ लेंगे, ठीक है। और जो हम इसकी गहराई ले रहे हैं वो 4 इंच ले रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा लें, और बोट नेक की जो शेप है वो आप यहाँ पे दे दें इस तरह से। बोट नेक में पहले भी मैं कुछ वीडियोस डाल चुकी हूँ बोट नेक पे ब्लाउज़ और कुर्तीज़ के, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ड्रॉप कट जो शेप है वो हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए 1 इंच नीचे हम जो हमारा बोट नेक है उसके नीचे निशान ले लेंगे 1 इंच का, और जो इसकी लंबाई ले रहे हैं वो हम 8 इंच की ले रहे हैं, तो 8 इंच पर यहाँ से निशान लगा दें। अब यहाँ पे जो इसकी जो गोलाई है ड्रॉप शेप की, उसके लिए देखिए 3 इंच दूरी पे आपको एक इस तरह से निशान लगा लेना है, और इसको मिला देना है जैसे कि हम नॉर्मल गले में शेप देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको शेप जो ड्रॉप की है वो आपको आसानी होगी लगाने में, ठीक है। इस तरह से आप जो ड्रॉप की शेप है वो आराम आराम से दे दें, इसको ज़्यादा चौड़ा ना करें, क्योंकि फिर वो जो लुक आता है पहनने के बाद वो नहीं आ पाता है, ठीक है। इस तरह से आराम आराम से इसमें आपको शेप दे देनी है। ये देखिए, ड्रॉप शेप हमारी बन चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी शेप, पूरा जो गला है हमने इस पे पूरे पे शेप बना लिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। नीचे वाले हिस्से पे अब हम यहाँ हुक लगाएंगे बैक साइड पे। तो देखिए, सबसे जो बोट नेक है वो हमारा दोनों साइड पे बन रहा है, तो इसको एक साथ ही काट लेंगे दोनों साइड के जो हमारे पल्ले हैं, फ्रंट बैक दोनों एक साथ ही कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हम दोनों साइड पे बोट नेक ही बना रहे हैं। अब हम बैक के लिए इसको आपको अलग कर लेना है, दोनों पे कटिंग ना कर दें इसलिए। ये देखिए, बैक का हमने अलग करके इस पर कटिंग कर लें, लाइन के ऊपर ही कटिंग करें ताकि शेप अच्छी आए। ये देखिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपका लुक आएगा ब्लाउज़ का। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, फ्रंट साइड पे हमने इस तरह से पिन अप करके रेडी करके रख लिया है स्टिचिंग के लिए। तो इसको किनारे किनारे आपको स्टिच कर देना है एक पैर का दबाव लेते हुए। गोलाई का ध्यान रखें। इस तरह से ये देखिए स्टिच हो गया है। और इसी तरह से देखिए, बैक पे भी हमने पिन अप करके रख लिया है, तो इसको भी आपको स्टिच कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बोट नेक जो शेप है वहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग में डबल करके हमेशा आप स्टिच करें, कोई भी सिलाई हो। देखिए, बोट नेक कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए, इस तरह से जो हमारा ड्रॉप शेप है इस पे भी आपको स्टिच कर लेना है। एक पैर से भी कम दबाव लें यहाँ पर अच्छे शेप के लिए। ये देखिए, ये भी हमारा स्टिच हो गया है। अब इसको कटिंग कर लें एक साइड पे। यहाँ पे पहले छोटा सा कट लगाएं सीजर के लिए, और फिर इस तरह से हर तरफ से आप जो हमने सीमिंग अलाउंस छोड़ा है उसी के बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे आपको कट लगा लेने हैं, क्योंकि राउंड शेप है,
राउंड शेप आप कहीं भी बना रहे हो, बोट नेक हो या फिर ड्रॉप शेप हो, कुछ भी हो, तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने होते हैं, जिससे कि आप जब इसको सीधा करेंगे तो आपको वो जो इशू नहीं आएगा, कुछ खिंचाव महसूस नहीं होगा, यहाँ पर एकदम से परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बोट नेक भी अपनी कटिंग कर लें आप इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब देखिए, इसको आपको यहाँ बीच में से अलग करना है, बिल्कुल सीधा रख के इसको कटिंग कर दें आराम से। ये देखिए इस तरह से, अब इसको सीधा कर लें। ये देखिए, हमने सीधा करके रख लिया है, तो ब्लाउज़ हमारा परफेक्ट बन के आ गया है। ठीक है, अब इसको हम जो दोनों साइड हैं वो रेडी करके, हमने फ्रंट साइड रख ली है, उनको हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें उससे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच देंगे जो हमारा ड्रॉप शेप है। इसमें देखिए, एक साइड पे हम लूप लगाएंगे और दूसरे साइड पे बटन लगाएंगे। लूप बनाना मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी और एक पट्टी ले लें और उसको थोड़ा सा स्टिच कर लें, 1-1.5 इंच तक, और उससे आप लूप बना सकते हैं। और बटन हमने, जो ये हमारा ब्रॉकेट का कपड़ा है, उसी के कपड़े से हमने इसको जो है ना तैयार करके रख लिया है, तो वही बटन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो टॉप स्टिच है वो हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब ये फ्रंट साइड है, हमने पैटर्न बना के रख के रेडी करके रख लिया है। तो अब देखिए, दोनों साइड पे हम ये जो शोल्डर हैं जॉइंट के सामने जॉइंट रख के इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। पक्का कर दें, ये देखिए। इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड पे भी ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, जो बैक साइड है इसकी ड्रॉप वाली, उसमें बीच में आपको बराबर इस तरह से रख लें और फिर इसको यहाँ पे बीच में से आपको स्प्लिट कर देना है, अलग कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने हुक पट्टी आई पट्टी लगा के रेडी कर लिया है और साइड पे हमने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है दोनों साइड पे। ठीक है, इस तरह से, और जो हमने निशान दिया है उसी के ऊपर स्टिच करेंगे। तो आशा है दोस्तों, आप सभी को हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो दोनों हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उस पर स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, स्लीव हमने कट वर्क किया है इस पर, तो वो हमने रेडी करके रख ली हैं पहले से ही। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइंट करने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ज्वाइंट आपके जो सामने सामने होने चाहिए, जो हमारे आर्मोल के जो ज्वाइन हैं, ये देखिए इस तरह से ये सर्कुलर आपकी जो स्लीव्स हैं वो लग जाएंगी। आर्म होल दोनों में आप बराबर रखें, ब्लाउज़ जो हमने रेडी करके रखा है उसके लिए और स्लीव के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव भी लगा लेनी है। मैं यहाँ पर आपको एक ही स्लीव बता रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।